तो हम स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से मैंने आपको छोड़ा था कि पहले तो इसको देख लेते हैं हम। ये हमारे पाइप जॉइंट्स हैं, ठीक है, और इस तरह से इसके अंदर फ्लैंज होते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था कि इस पिक्चर को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे फ्लैंज हैं इसके अंदर, और इसके साथ में फिर पाइप को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो पाइप्स ये लेंथ कुछ भी हो सकती है ना। और इसका जो हमारा यूजेज है वो भी मैंने आपको बताया था कि यूज क्या करते हैं हम इसके अंदर इसको। तो यूज जो होता है वो वाटर के लिए, गैस के लिए, ऑयल के लिए, इस तरह की, या ड्रेनेज पाइप भी हो सकती है ना। आपने रोड साइड बहुत सारे देखे होंगे इस तरह के कनेक्शन पाइप के अंदर। तो ये कुछ वैसी चीज नहीं है कि जो हमें अननोन हो, ठीक है, सारी नोन टू है हमारे पास। बस ये फर्क है कि जो हमने जब डिसअसेंबल किया था तो हमने पार्ट्स को नहीं देखा था इसके। अभी सब कुछ क्लियर हो रहा है ना, पिक्चर्स नजर आ रही हैं आपको? यस हाँ, सर, यस सर। तो ये जो फ्लैंज है, फ्लैंज के बीच में हमें एक गैसकेट देना होता है, क्योंकि जब ऑब्वियस है कोई गैस वगैरह हम लेके जाएंगे, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस होगा, तो वो गैस की लीकेज होने के चांसेस रहेंगे या ऑयल के लीकेज होने के चांसेस रहेंगे। तो उसके लिए वो गैसकेट लगाया जाता है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लीकेज ना हो, लीक प्रूफ होता है ये। देखिए, इस तरह से आपने बड़े बड़े पाइप्स देखे होंगे रोड साइड से, कई जगह से। तो ये कितने ही बड़े हो सकते हैं, हम छोटे वाले फ्लैंज की बात कर रहे हैं। इसमें देखिए कितने नट एंड बोल्ट की असेंबली कितनी है और कितने बड़े बड़े नट बोल्ट होंगे, इसको आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना। और हमने देखा भी है इसको कई बार रोड साइड पे, आपने देखा होगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर पहले हम असेंबली करेंगे आज। असेंबली को करने के लिए हमने क्या करना है पहले, कि मैं आपके सामने फिर शेयर करूँगा वीडियो को। ये हमारे सामने क्वेश्चन है और अभी नजर आ रहा है सभी को? यस सर। ओके। द फिगर शोज द डिटेल्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए फ्लैंज पाइप जॉइंट। अभी पिक्चर में नीचे आएंगे आपके पास जो पार्ट्स दिखाएगा। असेंबल दीज पार्ट्स करेक्टली एंड देन ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज टू स्केल फुल साइज। फुल साइज का मतलब 1:1, ठीक है। जैसे 20 लिखा है तो 20 ही mm में लेंथ लेनी है उसकी, कम ज्यादा नहीं करनी। इसमें बनाना क्या क्या है हमें, सेक्शनल फ्रंट व्यू, जिसमें कि टॉप हाफ को हम सेक्शन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है इसका साइड व्यू बनाना है। जब हम असेंबल्ड कर देंगे तो उसका साइड व्यू बनाना है जैसा कि हमें लेफ्ट से नजर आएगा वो। फिर टाइटल प्रिंट करना है, स्केल यूज लिखना है, प्रोजेक्शन सिंबल ड्रॉ करना है, और 6 इंपॉर्टेंट डायमेंशन देनी है। ये सब मिला के 6 मार्क्स का होता है, टाइटल, स्केल यूज, प्रोजेक्शन सिंबल, 3 नंबर, और 3 नंबर की हमारी डायमेंशनिंग हो जाती है। तो इसका जो डिटेल है वो अब आपके सामने आ गई। ये देखिए, दिस इज द डिटेल। तो डिटेल के अंदर ये हमारा फ्लैंज बी है, मेरा एरो आपको नजर आ रहा होगा मूव करता हुआ, दिस इज द फ्लैंज बी, दिस इज फ्लैंज ए, ठीक है, दिस इज फ्लैंज ए। ये है गैस्केट जिसका फ्रंट व्यू दिखा रखा है, साइड व्यू में वो रिंग की तरह होगी। और ये सारे व्यूज हमें सेक्शनल दिखाए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। फिर हमारा स्क्वायर हेडेड बोल्ट है और हेक्सागनल नट है, ठीक है। ये सारी चीजें, मतलब हमारे पास बेसिकली 3 चीजें हैं इसमें, 2 फ्लैंज, एक गैस्केट और एक नट एंड बोल्ट का कॉम्बिनेशन। नट एंड बोल्ट इसमें डिपेंड करेगा कितने होल्स हैं, उसके हिसाब से उतने नट एंड बोल्ट लेने होंगे हमें, ठीक है। तो इसको डायमेंशन वगैरह सब यहीं से लेनी है आपको। जितने भी डायमीटर यहाँ पे दे रखे हैं, सबसे बड़ा डायमीटर ये 132 का दे रखा है, ठीक है। फिर ये 74 का है, ये 80 का है, ये 130,
या 106 का है, आई थिंक 106 है ये जो पढ़ा जा रहा है। गैसकेट के भी डायमीटर दे रखे हैं अलग अलग, ये आई थिंक 82 और 90 कुछ ऐसा दे रखा है इसमें। ठीक है, नट जो है वो 10 mm विड्थ का है, हेड का जो बोल्ट का जो हेड है वो भी 10 mm का है, 20 का उसका शैंक लेंथ है, टोटल लेंथ 42 है। अब जो इसने हमें दे दिया हम उसी को लेके चलेंगे, हम अपने उस स्टैंडर्ड डाइमेंशंस के ऊपर नहीं जाएंगे, जो इसने हमें दिया है हम उसी को लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कहना कि सर हमारी शैंक लेंथ तो 2D+3 6 होती है, यहाँ पे तो नहीं दिया उसने ऐसा, हमें इसने जैसा दिया हम वैसे ही बनाएंगे उसको। क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, तो अब आपके सामने कैसे ड्रॉ होगा वो प्रोसीजर आ रहा है। देखिए सेंटर लाइन से ही स्टार्ट करते हैं हम हमेशा। सेंटर लाइन बनाने के बाद जो 132 का जो था उसको उसने ड्रॉ, ये कर रहे हैं हम वीडियो के अंदर देख रहे हैं, जो दिस इज, उसने दोनों फ्लैंज को पास पास ले आया। पास पास लाने के लिए जो बीच में गैप रखा है, यहाँ पे फ्लैंज के बीच में जो गैप है, ये गैप ये कितना होगा अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं दोबारा। ये जो गैस्केट की विड्थ है, गैस्केट की विड्थ कितनी है? 3। तो दोनों फ्लैंज को इतना पास ले आएंगे कि 3 mm का गैप रहे बीच में बस। ठीक है, क्लियर हो गया? सिर्फ 3 mm का गैप रखना है हमने उसके बीच में, और फिर हम फ्लैंज, पहले दोनों फ्लैंज को ये कंप्लीट किया जा रहा है इसके अंदर। तो जैसा कि हमने डिसअसेंबली में किया था, हमने फ्लैंज को बनाया था, बिल्कुल सेम फ्लैंज को यहाँ पर बनाना है, लेकिन यहाँ पे दो फ्लैंज बनाने हैं, बस ये ध्यान रखना है। वहाँ हमने सिर्फ एक फ्लैंज बनाया था, यहाँ पे दो। अब ये गैस्केट की, सॉरी ये वो वाली लाइन है जहाँ पे हमारे नट बोल्ट की एक्सेस आएगी। ठीक है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस लेने के बाद ये इसने रेक्टेंगल कंप्लीट कर दिए उसके, रेक्टेंगल इन द सेंस, क्यों किया रेक्टेंगल? क्योंकि हमने बोल्ट को इंसर्ट करता हुआ दिखा दिया, पहले बोल्ट को बनाया जा रहा है इसके अंदर। स्क्वायर हेडेड बोल्ट है तो स्क्वायर हेड बोल्ट को बनाया जा रहा है, जैसा कि हमने पहले प्रैक्टिस कर रखी है ऑलरेडी स्क्वायर हेड बनाने की। ठीक है, तो ये स्क्वायर हेड बोल्ट बनाया जा रहा है, और स्क्वायर हेड ये देखो कंप्लीट हो गया उसके अंदर स्क्वायर हेड बोल्ट, और उसका रेडियस लिख दिया उन्होंने कितना रेडियस था वहाँ पे। अब ये फ्लैंज को वापस, फ्लैंज की कंप्लीशन का काम हो रहा है। अब इनोवेशंस देखिए, इसने शार्पनर के जो राउंड होती है, शार्पनर का जो राउंड एज होता है उसी का इस्तेमाल करके इसको राउंड कर दिया है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हमें फ्रेंच कर्व लेने की या किसी और चीज की, अगर हम काम अच्छे से करना जानते हैं तो हमें राउंड करने के लिए कोई ये नहीं है कि किसी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को लेने की जरूरत है। ठीक है, अब ये देखिए ये हमारा बोल्ट की थ्रेडिंग आ गई, बोल्ट की थ्रेडिंग वाला हिस्सा भी आ गया, लेंथ भी आ गई, शैंक लेंथ भी आ गई, और इस तरह से ये हमारा जो डायग्राम है, अभी पहले फ्लैंज ही कंप्लीट होंगे, ध्यान से देखते रहो, जैसा फ्रेंच आपने पहले बनाया है फ्लैंज ए और बी दोनों बनेंगे, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पे बार बार मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ असेंबली में जब जाएंगे तो। ठीक है, ये फ्लैंज का पार्ट, सेकंड पार्ट कंप्लीट हो रहा है, फिर इसके बाद हम आएंगे पाइप वाले हिस्से पे। ये सेंट्रल लाइन ये देखिए, ये क्योंकि है डार्क, यहाँ पे इसने गैस्केट को दिखाया है, अपर हाफ इन सेक्शन होना है ना, तो अपर हाफ इन सेक्शन होना है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ गई वहां पे हमें। ये हमारा कन्वेंशन होता है दोनों पाइप्स को दिखाने का, एक में ऊपर की तरफ हम राउंड कर देते हैं और दूसरे में नीचे साइड में कर देते हैं। ये अब कंप्लीट हो रहा है, अब ये बोल्ट बनाने की तैयारी हो रही है, बैक साइड पे जो बोल्ट बनेगा इसका, तो ये बोल्ट बन जाएगा, तो ये हमारा नट बोल्ट की असेंबली भी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे थोड़ी देर में। तो ये जो वीडियो है थोड़ा फास्ट मोशन में किया गया है, क्योंकि
पूरे वीडियो की जो लेंथ थी वो 45 मिनट की थी बनाने में, तो उसको शॉर्ट करके 9 मिनट का किया गया इसको, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ये देखिए, ये हमारी असेंबली कंप्लीट हो गई हेक्सागनल नट और स्क्वायर हेडेड बोल्ट की, साथ साथ डाइमेंशनिंग भी चल रही है। अब डाइमेंशनिंग का तरीका देखिए आप, है ना, डाइमेंशनिंग को ध्यान से देखिए। तो डाइमेंशनिंग में सुपर इम्पोज डाइमेंशनिंग चल रही है यहाँ पे हमारी, नीचे भी हाफ बोल्ट बनाना है। जब हाफ सेक्शन हो गया तो हाफ बोल्ट दिखाना पड़ेगा, और हाफ बोल्ट कट हुआ हुआ है यहाँ पे सेंटर में। जैसी असेंबली ऊपर है वैसी असेंबली नीचे बनानी है हमें, ठीक है। तो ये हाफ नट बोल्ट बना दिया असेंबल करके। सेम नीचे भी हमें हेड स्क्वायर हेड बोल्ट वगैरह और हेक्सागनल नट ये कंप्लीट करना है। देखिए ये सब चीज कंप्लीट हो गई। नाउ द कंप्लीट होने के बाद वो हैचिंग का काम चल रहा है। अब हैचिंग देखिए, अलाइनमेंट सेम है, अलाइनमेंट डिफरेंट नहीं हो रहा। जो पाइप के अंदर अलाइनमेंट है और वो दोनों की अलाइनमेंट डिफरेंट हो गई, दोनों फ्लैंज की अलाइनमेंट डिफरेंट हो गई, लेकिन की एक ही तरीके से है, एक ही बार में किया, अलग अलग नहीं की। अब ये साइड व्यू में अगेन हमारे सर्कल्स जो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ सर्कल्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों क्यों इंक्रीज हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ सर्कल्स में गैस्केट भी आ गई, इस वजह से गैस्केट के सर्कल भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक हिस्से में आपको ये दिखाना है पूरा असेंबली का साइड व्यू, सिर्फ एक हिस्से में दिखाएंगे असेंबली का साइड व्यू। ये हेक्सागनल हेड बोल्ट है, नट है सॉरी, तो हेक्सागनल नट हमें पूरा नजर आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और स्क्वायर हेड वाला जो स्क्वायर है वो हमें हिडन नजर आएगा, तो इसलिए उसको हिडन बनाया जा रहा है। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन दिस असेंबली इज दिस, ये बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और समझने में भी टाइम लगेगा इसको, ठीक है। ये हैचिंग हो रही है, किस लिए हो रही है? क्योंकि ये पाइप का कन्वेंशन जो है ये वो वाला हिस्सा है, तो पाइप कटा हुआ होगा हमेशा ही, तो ये हमें इस तरह से नजर आएगा। नाउ रेस्ट इज द डाइमेंशनिंग पार्ट, डाइमेंशनिंग पार्ट हो जाएगा, और इन द एंड जब आपके सामने पिक्चर आएगी तो आप देखेंगे कि कितना नीट एंड क्लीन काम हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए सारा काम लगभग हो ही गया है, डायमेंशनिंग पार्ट रह गया। 6 इम्पोर्टेंट डायमेंशन करनी है, तो आप मिनिमम 6 करनी है, 6 इम्पोर्टेंट डायमेंशन का मतलब मिनिमम 6 करनी है, उससे ज़्यादा करना हो तो उससे ज़्यादा भी कर सकते हो आप। ये देखिए, देख लिया सभी ने? यस सर, यस समझ सर, आ गया, समझ आ गया हम सभी को? यस सर, यस सर, कुछ इस पे डिस्कशन करना है? कुछ करना चाहते हैं डिस्कशन? इसकी वीडियो मिल जाएगी? कौन सी? हाँ मैं अभी यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा ना इसको, पूरा वीडियो ही शेयर होगा।